अच्छा, चर्चाएं भी हैं कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम के लिए जो है कई जगह चर्चाएं, प्रोजेक्ट किया जाएगा सीएम के रूप में। ऐसा है कि मेरा मकसद कभी भी कोई पद लेना नहीं रहा है, ना ही कोई जो है पद के लिए मैंने कभी कहीं कोई प्रयास किए हैं। जहाँ जो जिम्मेदारी जनता ने मेरे को दी है वो मैंने हमेशा निभाई है, और मेरा केवल एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, हरियाणा में पद मकसद नहीं है, परिवर्तन मकसद है। हरियाणा में परिवर्तन होना चाहिए। भाजपा जजपा की ये जो निकम्मी सरकार है, खट्टर दुष्यंत सरकार, इससे पीछा छूटे हरियाणा का। हरियाणा विकास, खुशहाली, तरक्की के रास्ते पे जाए, ये परिवर्तन आए। ये परिवर्तन लक्ष्य है, पद कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन जिस तरह से और जो है हरियाणा में जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में हम लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। जहाँ तक बात है हिसार से जो है कुलदीप बिश्नोई की जॉब की बात जीत हुई है, बहुत कम मार्जिन से हुई है, आपने बयान दिया था उस पर। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आपके बाद जो है हमेशा जेल जाने की तैयारी करें, क्योंकि उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट जो है ईडी और सीआईडी जो है क्या कर रही है। मैंने ये कहा था और ये मैं उस पर कह रहा हूँ, वो जो है कि मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है उनको। आदमपुर की जनता ने कह दिया था मार्जिन घटा के, वो तो आदमपुर की जनता ने जवाब दिया था ना, मैंने तो नहीं जवाब दिया था। मैंने तो केवल जो आंकड़े हैं चुनाव के, कितने मत मिले हमारे प्रत्याशी को, जो कि ये दर्शाते हैं कि इस चुनाव में निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी वहाँ, क्योंकि ये तो बाई इलेक्शन था। सरकार की पूरी ताकत झोंक के ये बड़े बड़े वायदे करके कि भाई जो है अपना कि भी 1.5-2 साल जो बचा है उसमें क्या कायापलट करवाने का काम करेंगे। सरकार का उपचुनाव का प्रभाव, दोनों पार्टियां बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, सारी हरियाणा की बहुत सी जो मैं समझता हूँ नकारात्मक शक्तियां उस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गई थी। आपने देखा होगा कांग्रेस प्रत्याशी को घेरने के लिए लोगों का ये आकलन है कि इनेलो से लेकर आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को घेरने के लिए उतारे गए थे। सब कुछ एकजुट होके जो है सभी शक्तियों ने किसी तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश करी, तब जाके एक मुकाबले में थोड़ी वोटों से जीत गए। आने वाले समय चुनाव में क्या होगा वो जवाब तो आदमपुर की जनता ने दिया है, तो आप उनको आप अपना जवाब दें, ये बताने की बजाय कि वो क्या जो है जो इन्होंने जो जवाब दिया है कि किस तरीके से हुड्डा साहब को निशाने पर लिया जाएगा, वो ये बताएं कि आदमपुर की जनता ने जिताया है, ये क्या उनके लिए क्या कार्य किया जाएगा ये बताएं, और नहीं तो आने वाले समय में जनता पूरा जवाब देगी। अच्छा, कहते हैं संगठन जल्द बनेगा, वो जल्द समय कब आएगा कांग्रेस का संगठन जब तैयार? जब कांग्रेस का हाईकमांड और कांग्रेस का नेतृत्व सही समय उसको सही समय लगेगा, उचित समय, जिस समय पर जो है हमें मजबूती दिखाई देगी कि भाई आगे और मजबूती देखे जो है आज परिवर्तन की इस लड़ाई में, जब कांग्रेस के हाई कमांड को सही समय लगेगा उस तब वो संगठन में विस्तार करेंगे।